लास्ट वीडियो में बेटा हम लोग बात कर चुके थे राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। इन दिस वीडियो वी विल टॉक राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, है ना। जब सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, इट मीन्स वो वेपर प्रेशर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर रहेगा, ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल है, सॉल्यूट वेपर में चेंज नहीं हो रहा है ना। सॉल्यूट कैसा है बेटा, सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, यानी कि ये किस में चेंज नहीं हो रहा है, वेपर में। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, या मैं लिख सकता हूं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, किस पे डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये बात समझ में आती है, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है, और जो सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है इट मींस ये वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। पहले हम लोग क्या करते थे, सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन यहां पे पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट कैसा है, सॉल्यूट हमारा नॉन वॉलेटाइल है। ओके, सो वी कैन राइट हियर पी इज इक्वल टू पी सॉल्वेंट, है ना। और पी सॉल्वेंट का मतलब पी नॉट इंटू एक्स सॉल्वेंट, क्लियर। ये हमारी एक इक्वेशन हो जाती है, इसमें पी इज इक्वल टू पी नॉट एक्स सॉल्वेंट। अब लॉ क्या होगा, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है तो हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ऑफ द सॉल्वेंट किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। और अब हम लोग बात करेंगे किसके, तो वी कैन राइट हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वन माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इतना लिख सकते हैं, है ना। अब ये जो सॉल्वेंट की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर वन में लिखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स सॉल्वेंट इन इक्वेशन फर्स्ट, पी इज इक्वल टू पी नॉट इंटू वन माइनस एक्स सॉल्यूट, पी इज इक्वल टू पी ठीक है। अब हम यहां पे क्या करेंगे, ऐसे कर लो P ये इक्वल टू में है तो आ जाएगा P अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स सॉल्यूट, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, वन को इधर ले आएंगे तो वन माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, क्लियर। या फिर इसे ऐसे कर P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। इस वाले टर्म को, इस वाले टर्म को हम कहते हैं RLBP,
रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, क्लियर।